सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 53वें पृष्ठ की 16वीं पंक्ति पर 37वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके, तद अनुरूप साधना के दुरुपथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, इनहेरिटर ऑफ द ब्रीफ एनिमल माइंड, मैन स्टिल अ चाइल्ड इन नेचर्स माइटी हैंड्स, इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट्स लाइव to a changing present is his narrow right. His memory stares back at a phantom past. The future flees before him as he moves. He sees imagined garments, not a face. Armed with a limited precarious strength, he saves his fruits of work from adverse chance. His struggling ignorance is his wisdom's mate. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अचलायमान परमात्मा में जागृत संकल्प एकोम बहुश्याम उपरांत उन्हीं की चेतना का एक भाग, संकल्प सिद्धि खातिर सचलायमान बनकर सप्त सोपानों से अवतरित होने के पश्चात ऊर्ध्वारोहण करके सर्वप्रथम चरण में अभिव्यक्त होकर महाप्रकृति के युगों युगों के सतत विकासोन्मुख प्रक्रिया से अनंत युगों के पश्चात जड़ से वनस्पति, वनस्पति से प्राणी और 84 लाख योनियों के प्राणियों से गुजर कर विकसित होते हुए पशु से मन के और अधिक उन्नत होकर प्रादुर्भूत हो जाने पर मानव रूप में विकसित हुआ यह पार्श्विक मन का उत्तराधिकारी मानव अब भी महाप्रकृति के विकासोन्मुख शक्तिशाली हाथों में आज भी एक अबोध बालक ही बना हुआ है, क्योंकि मानव का मन अभी पूर्ण सचेतनता में विकसित नहीं हो पाया है, अब भी अपने भूतकाल के पशुगत जीवन की छाया उसके वर्तमान जीवन पर पड़ी रहती है, जिससे प्रभावित रहकर उसे अपने परिवर्तनकारी वर्तमान में अनिश्चितता एवं संशयपूर्ण अवस्था अज्ञान में व्यतीत क्षण क्षण कर जीवन जीना है। अचित अज्ञ अंधकार आवरण से देश काल सीमा बद्ध बने रहकर काल जुए को कंधों पर ढोते हुए टटोल टटोल कर मानव मन अनिश्चितता के क्रम विकास मार्ग पर
सतत विकासोन्मुख प्रक्रिया से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना, इतना ही उसको जैसे अधिकार सीमित मिला है अपने वर्तमान जीवन के अस्तित्व के प्रति संशयात्मक स्थिति में रहते हुए अपने भीतर छिपे पड़े पूर्व संस्कारों के भूतकाल के संचित की एक प्रेत रूप को अपनी वर्तमान स्मृति से बराबर प्रारब्ध से प्रभावित होते हुए पुनः पुनः मुड़ मुड़ कर इस भूतकाल के भूत प्रेत को घूरा करता है, क्योंकि अगले क्षण घटित होने वाली घटना की अनिश्चितता के संकटपूर्ण जीवन यापन से ज्यों ज्यों वह गुजरता आगे बढ़ता जाता है, त्यों त्यों अपने सुनिश्चित स्वर्णिम भविष्य की ओर हाथ बढ़ाकर ज्योही से हस्तगत करने का प्रयास करता, क्यों ही यह भविष्य की घटित हुई घटना वर्तमान बनकर अगले ही क्षण भूतकाल की घटना में परिवर्तित होकर इस प्रकार उसका भविष्य दौड़ लगाकर वर्तमान एवं भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। भीतर छिपी सत्य अंश दिव्य चेतना पर पड़े असत अचित अज्ञ अंध सत्ता स्तरों के आवरणों से प्रभावित क्षेत्रों को पार करके यह भीतर निश्चित सत्य चेतना अपना अल्प प्रभाव ही हमारी सत्ता स्तरों पर डाल पाती है तथा इंद्रिय गम्य बोध से बाह्य आवरणों के काल्पनिक आवरणों वाले मुखौटों को आकारों को देखकर भ्रमित होता रहता और भ्रमपूर्ण जीवन यापन करते हुए इसी प्रकार का आचरण करते हुए जीवन बिताता जाता है, किंतु कभी भी इन भ्रमित करते काल्पनिक मुखौटों के पीछे छिपे परम सत्य अंश के आनंद श्री को मुखड़े को नहीं देख पाता है। भागवत संकल्प सिद्धि हेतु अवतरित हुई उन्हीं की अंश विभूति जो अवतरणोपरांत अभिव्यक्ति पाकर ऊर्ध्वगामी बन व्यक्त रूपों में जड़ से विकसित होते होते मानवता तक लगभग अर्ध सचेतन अवस्था में स्थित मन तक पहुंचने के उपरांत भी प्राप्त विकसित मन की सीमित संकीर्णतावश जीवन यापन में वैश्विक शक्तियों की क्रियावलियों को ठीक ठीक न समझ व जान पाने के कारण इन शक्तियों के विपरीत परिणामी थपेड़ों से उसका आहत हुआ मन प्राण व शरीर क्षत विक्षत होते हुए भी भागवत लक्ष्य संसिद्धि में सदैव तत्पर व संलग्न बने रहकर वैश्विक शक्ति की क्रियावलियों से विपरीत परिस्थितियों में युद्धरत रहते हुए किए गए कर्मों के फलों को यानी विकास के उन्नतर स्थितियों के प्राप्त परिणामों को सीमित मन की शक्ति से किसी विरोधी देवयोग से अपने कर्मों के फलों की रक्षा करता रहता है। ज्ञानों में विद्यमान अज्ञान अंधकार अचित के आवरणों के पार नीचे विद्यमान अंतरात्मा के दिव्य दैदीप्यमान ज्ञान प्रकाश प्रभाव से प्राप्त विकसित मन में
कुछ विवेक पूर्ण ज्ञान मौजूद रहता है, किंतु प्रत्येक स्तर पर मन के अज्ञानांधकार आवृत्त आत्मा से संपर्क की खामी कमी से सदैव ही मानव मन प्राप्त होने वाले भेद ज्ञान के प्रति संशय में ही बना रहता है। यद्यपि ईश्वरीय शक्ति जनित यह ज्ञानांधकार भी वस्तु वस्तु में छिपे सत्य की खोज में ही लगा रहता है, किंतु उसका निम्न स्तर एवं विपरीत खोज का मार्ग भीतर अंत पुरुष से प्रेषित विशुद्ध विवेक ज्ञान को भी मलिन कर देता। इससे अंत पुरुष से प्रज्ञापूर्ण ज्ञान की विवेकपूर्ण किरणों को कभी कभी मन प्राप्त करता, किंतु वे मन तक आते आते मंद व धूमिल हो जाती। इस अचित जनित अज्ञान अंधकार के त्रुटिपूर्ण प्रयासों से इस प्रकार सचेत मानव मन के द्वारा अज्ञानता से अशुद्ध हुए ज्ञान को प्राप्त कर इसी अज्ञान में लिप्त ज्ञान से संघर्षरत रहते हुए भीतर विशुद्ध छिपे प्रज्ञा ज्ञान स्रोत के रहने पर भी मानव जाति इसी अज्ञान की संगी बनी ही रहती है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।